नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अक्षय तृतीया विशेष कृषि और नक्षत्र में। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया। साल में 24 तृतीया होती हैं, लेकिन अक्षय तृतीया का क्यों खास महत्व माना गया है, क्यों इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है, क्यों इस दिन पिंडदान किया जाता है, क्यों दान को विशेष माना जाता है और क्यों खरीदा जाता है सोना चांदी, क्या महत्व है इन सब बातों का, तमाम बातें बताने के लिए हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानते हैं कि क्या महत्व है अक्षय तृतीया का, कब से मनाई जाती है अक्षय तृतीया और इसके पीछे क्या विधान है, सब कुछ जानते हैं अमित पांडे जी से। अमित जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही कि अक्षय तृतीया को अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है? देखिए, अक्षय तृतीया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तृतीया तो जानते हैं तिथि का नाम है तृतीया, अक्षय, अक्षय में अप्रत्यय लगा हुआ है, क्षय मतलब होता है नष्ट होने वाला, अ जब प्रत्यय लग जाता है जिसका मतलब है जो कभी नष्ट न हो, जो कभी समाप्त न हो, इसीलिए इसे अक्षय कहा जाता है, अक्षय तृतीया। मतलब इस तिथि के दिन चाहे आप अच्छा कर्म करिए, चाहे बुरा कर्म करिए, चाहे दान करिए, धर्म करिए, आप जो भी इस तिथि के दिन कर्म करेंगे उसका कभी नाश नहीं होगा, वह सृष्टि के अंत तक यथा स्वरूप में बना रहेगा, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। हमारे यहाँ अक्षय तृतीया मनाई जाती है और अक्षय नवमी मनाई जाती है, ये दो तिथियाँ जो है अक्षय रूप में मनाई जाती हैं, हमारे सनातन धर्म में ये व्यवस्था दी गई है। भारतीय परंपरा में कुल चार तिथियाँ ऐसी होती हैं जो स्वयं सिद्ध मानी जाती हैं, जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मतलब वर्ष का पहला दिन, दूसरी अक्षय तृतीया, तीसरी दशहरा जिस दिन अपराजिता पूजा होता है, रावण का वध किया भगवान श्री राम ने, विजयदशमी का दिन, और चौथा जो है दीपावली। ये चार तिथियां जो हैं ये अपने आप में स्वयं सिद्ध कही जाती हैं, कुछ लोग इसे अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं, मतलब कि इस दिन किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप कोई नया काम आरंभ करना चाहते हैं तो करिए, कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, कोई चीज़ की स्थापना करनी है तो करिए। और विशेष बात अक्षय तृतीया के बारे में बताऊँ कि इसी तिथि के दिन त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। आपने कहा कि इसी तिथि के दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था, और भी कुछ विशेष वजह हैं जिनकी वजह से अक्षय तृतीया की तिथि मनाई जाती है, क्या पौराणिक कथाएं हैं इसके पीछे, वो भी बताएं। जी देखिए, एक तो त्रेता युग का आरंभ हुआ था, यह अपने आप में ही एक महान घटना है, क्योंकि उस युग में हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इस तिथि को नर नारायण, हयग्रीव तथा परशुराम का भी अवतार हुआ था। तो नर नारायण तो समाज को ज्ञान और उपदेश देने का अवतार था, हयग्रीव राक्षसों के वध के लिए, लेकिन हमारे धरती के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, इस मानव जाति के लिए यदि सबसे कोई उदाहरण था तो वो भगवान श्री परशुराम थे। ये भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार थे। अब इनका जन्म क्यों हुआ? जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वो भगवान के अंश थे, राक्षसों का वध किया इसलिए पैदा, नहीं, पूरे समाज को नई दशा और दिशा देने के लिए परशुराम का जन्म हुआ। त्रेता युग में जब सहस्राबाहु नाम का राजा जब बिल्कुल निरंकुश हो गया, उसने धर्म का मार्ग त्याग कर दिया, उसको धर्म का मार्ग दिखाने के लिए तथा उसके सहयोग करने वाले जितने भी धरती पर उस समय के राजा थे, सबको उनका राज धर्म सिखाने के लिए भगवान श्रीहरि विष्णु ने स्वयं छठे अवतार के रूप में परशुराम में माता रेणुका और जमदग्नि के पुत्र के रूप में जन्म लिया, और जन्म लेने के साथ ही उन्होंने एक हाथ में शस्त्र और दूसरे में शास्त्र को पकड़ा। शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है इस समाज को। शस्त्र से जहां बुराइयों का अंत किया सकता है, वहीं शास्त्र के माध्यम से समाज का कल्याण किया सकता है, नई ऊर्जा दी जा सकती है, नई खोज की जा सकती है, और भगवान परशुराम इन दोनों के सामूहिक रूप के एक उदाहरण है। एक हाथ से उन्होंने शस्त्र उठाया समाज की रक्षा के लिए, वहीं दूसरे हाथ में शास्त्र, शास्त्र के माध्यम से इस समाज को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, लोगों को नई सीख दी, वहीं दूसरे हाथ में शस्त्र उठा करके उन्होंने इस समाज से, इस संसार से बुराइयों का नाश किया, इसलिए उनकी जयंती के रूप में भी यह अक्षय तृतीया काफी महत्व की हो जाती है। परशुराम जी की जयंती के रूप में भी अक्षय तृतीया मनाई जाती है, आपने बताया।
हर बार की अक्षय तृतीया विशेष मानी जाती है कुछ खास कारणों से। कहा जाता है कि सोमवार को अगर अक्षय तृतीया पड़े तो विशेष फलदायी शुभ मानी जाती है। इस बार की अक्षय तृतीया इस तरीके से कुछ मायनों में खास है। देखिए, हर बार कोई भी पर्व, चाहे नववर्ष हो, चाहे अक्षय तृतीया हो, चाहे दीपावली, जब किसी वार के साथ जुड़ती है तो उसका एक अपना अलग महत्व होता है। दूसरा महत्व होने कारण होता है कि उस दिन की ग्रह स्थिति क्या बनती है। तो इस बार अक्षय तृतीया सौभाग्यवश दोनों में विशेषता है। एक तो इस बार 28 अप्रैल को यह अक्षय तृतीया आरंभ हो रही है। 28 अप्रैल को दोपहर 10:30 के बाद से तृतीया लग जा रही है वैशाख शुक्ल पक्ष की, शुक्रवार। हाँ, शुक्रवार के दिन तृतीया आरंभ हो जा रही है। इसलिए यह तृतीया 28 अप्रैल को मनाई जाएगी उनके लिए जिन्हें नया सामान खरीदता है, या हमारे ऐसे किसान भाई जो नया बीज वपन करना चाहते हैं, जो अपने उपकरण खरीदना चाहते हैं, उनके लिए 28 अप्रैल की ही तिथि मानी जाएगी और वह काम आप शुक्रवार के दिन ही करें। अब शुक्रवार माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विशेष ढंग से पूजा अर्चना की जाती है। तो एक तो शुक्रवार के दिन करने के कारण धन की कामना जो लोग करते हैं, तो यह अक्षय तृतीया धन देने वाली अक्षय तृतीया हो गई, लक्ष्मी को देने वाली, अस्थाई संपत्ति देने वाली, राष्ट्र को समृद्धि देने वाली। कुल मिलाकर के यह अक्षय तृतीया पूरे भारत वर्ष में धन धान्य की वर्षा करने वाली अक्षय तृतीया है। दूसरी बात, इस बार ऐसा संयोग पड़ रहा है कि अक्षय तृतीया के समय चंद्रमा और मंगल ये दोनों एक राशि वृषभ राशि में उपस्थित हैं और उस पर देव गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के चंद्र मंगल की युति होने से जहां लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, वहीं बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। मतलब राजा के लिए भी यह तिथि ठीक है और इस देश के प्रजा मतलब आम जनमानस के लिए भी यह तिथि सब प्रकार से उत्तम है, सब प्रकार से कल्याण को देने वाली है। इसलिए इस तिथि का पूर्ण प्रयोग करें अपने जीवन को समृद्ध और सम्पन्न बनाने के लिए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। आपने कहा कि शुक्रवार को प्रारंभ हो रही है और शनिवार तक रहेगी जी, तो अगर खरीदारी करनी है तो शुक्रवार के दिन करें और शनिवार के दिन खरीदारी वगैरह नहीं करें। ऐसा है, खरीदारी शनिवार को इसलिए आप नहीं कर सकते क्योंकि सुबह 7 के पहले ही तृतीया का समापन हो जा रहा है, चतुर्थी लग जा रही है। तो चूंकि हमारे यहाँ व्रत का जो विधान है वो उदया तिथि का विधान है, तो उदया तिथि में व्रत तो करते हैं लेकिन जब तृतीया रहेगी ही नहीं तो आप क्या खरीदेंगे, क्या काम करेंगे। इसलिए व्रत जो है वह शनिवार को होगा और जो आप खरीदारी करना है, जो आपको अन्य काम करने हैं, परशुराम जी की जयंती मनानी है, वह 28 अप्रैल दिन शुक्रवार को ही मना ली जाएगी क्योंकि उनकी जयंती प्रदोष काल में ली जाती है, सायंकाल की जो वेला होती है उसमें लेनी है। तो वह परशुराम जी की जयंती 28 अप्रैल को ही मनाई जाएगी और सारे लमसम सारे काम व्रत को छोड़ करके वो सब शुक्रवार को ही मना लिए जाएंगे। सभी जानते हैं कि स्वयं सिद्ध, जैसा कि आपने भी कहा प्रारंभ में, कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त मानी जाती है अक्षय तृतीया, लेकिन फिर भी पूरे दिन का कोई एक मुहूर्त होता होगा जो विशेष शुभ माना जाता होगा, वो मुहूर्त कौन सा रहेगा इस बार? देखिए, मुहूर्त हर चीज का अलग अलग होता है। देखिए, एक तो बड़ी बात यह है कि स्वयं में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, आप पूरे दिन 10:30 के बाद से लेकर के पूरी मध्य रात्रि तक आप चाहे जो करें करें, आप सब आपका मुहूर्त है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी करना है आप करें निश्चित रूप। लेकिन जब पूजन की बात आती है तो अक्षय तृतीया में भी जो पूजन करने का मुहूर्त है वो सायंकाल 28 अप्रैल को 6:15 से लेकर के 8:15 रात्रि तक है। उस मुहूर्त में आप पूजन करें तो सबसे अच्छा मुहूर्त है क्योंकि वो प्रदोष काल है, उसमें लग्न की गणना नहीं की जाती है, उसमें और किसी चीज़ की गणना नहीं करनी है, योग इत्यादि की, केवल प्रदोष काल को हमें लेना है, गोधूली वेला को लेना है। जब सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहे हों और रात होने के 1.5 बाद का जो मुहूर्त होता है प्रदोष काल माना जाता है, सूर्य के संक्रमण काल का जो समय होता है रात और दिन के मध्य बीच का, उस समय आप पूजन करिए लक्ष्मी गणेश का, कुबेर का, तो वह सबसे अच्छा मुहूर्त आपके लिए अक्षय तृतीया में शुक्रवार के दिन ये है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पंडित जी ने आपको बताया कि क्या महत्व है अक्षय तृतीया का, पौराणिक कथाएं क्या इसके पीछे जुड़ी हैं वो भी पंडित जी ने आपको बताई, स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के बाद भी एक शुभ मुहूर्त जो रहेगा इस बार की अक्षय तृतीया का वो भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि पिंड दान का, दान का क्या महत्व होता है अक्षय तृतीया के दिन, साथ ही बताएंगे कि किसानों के लिए क्यों विशेष मानी जाती है अक्षय तृतीया, सब कुछ बताएंगे। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अक्षय तृतीया विशेष कृषि और नक्षत्र में, जिसमें हमने आपको बताई कई महत्वपूर्ण बातें अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई। और चलिए अब जानते हैं कि क्यों इस दिन दान को महत्वपूर्ण माना जाता है। पिंडदान का भी विशेष महत्व माना जाता है इस दिन के लिए, वो भी जान लेते हैं। पंडित जी, दान और पिंडदान दोनों का ही विशेष महत्व माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन के लिए, वो क्यों माना जाता है? देखिए, दान व पिंडदान का बहुत महत्व है अक्षय तृतीया के दिन। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी काम करिए वह अक्षय हो जाता है। इसी क्रम में यदि आप अपने पितरों के निमित्त पिंडदान कर देते हैं तो वह पिंडदान वर्ष भर पिंडदान दिए गए के पिंडदान एक दिन बराबर हो जाता है। मतलब वर्ष में एक दिन अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन पिंडदान कर दिया तो वर्ष भर यदि आपने पिंडदान नहीं किया तो कोई बात नहीं, अक्षय तृतीया को पिंडदान करके आप अपने पितरों के प्रति मुक्त हो गए, एक बात। दूसरी बात, जो दान करने की व्यवस्था है, तो इस दिन आप जो भी दान करिए वह अक्षय हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को आज ही के दिन सुदामा, जो कि उनके गरीब मित्र थे, उनको सिर्फ 3 चावल दान में दिए थे। कुछ लोग कहते हैं कि 3 मुट्ठी चावल दिए थे, खैर ये अपना अपना मत है, लेकिन इसके प्रतिफल में भगवान श्री कृष्ण ने उनको सब कुछ दे दिया, अष्ट लक्ष्मी का वरदान दे दिया, सारा धन संपदा वैभव दे दी। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप दान करेंगे तो निश्चित रूप से वह आपको अक्षय होकर के फल के रूप में मिलेगा। इसलिए हमारे देश में सदियों से परंपरा रही है कि अक्षय तृतीया के दिन जो राजा महाराजा होते थे, जो सामर्थ्यवान पुरुष होते थे, वो आज के दिन जरूरतमंदों को, लोगों को, मंदिरों में, धर्म स्थानों में सबको दान किया करते थे, खास करके अन्न दान किया करते थे। अन्न दान करने से निश्चित रूप से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। व्रत भी रखा जाता है इस तिथि का? जी बिल्कुल, जो लोग हयग्रीव की, परशुराम की, नर नारायण की जो पूजा करते हैं, खास करके जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जो विशेष संन्यास आश्रम में दीक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं, वो लोग अक्षय तृतीया का व्रत भी करते हैं। सामान्य गृहस्थ कम व्रत करते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो अधिक इन व्रत को करते हैं, वो पूजा करते हैं विशेष रूप से। तो इसका कोई विधान, विशेष विधान होता है किस तरीके से रखा जाता है व्रत, पूजा किस तरीके से की जाती है? विधान सिर्फ इतना है कि आपको पूरे व्रत के नियम पालन करने हैं, अन्न और नमक का त्याग करना है, फल पे रहना है, अपने इंद्रियों का निगमन करना है, इंद्रियों का संयम करना है। इसके साथ साथ सायंकाल प्रदोष काल के बेला में जो लोग धन के लिए व्रत कर रहे हैं वो लक्ष्मी गणेश की पूजा करें, जो लोग अपने मान सम्मान यश प्रतिष्ठा के लिए राजनैतिक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कर रहे हैं वो भगवान श्री परशुराम की, जो लोग सर्व कल्याण अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जो साधु संन्यासी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, ऐसे लोग नर नारायण की। ये विधिवत प्रदोष काल में इन अपने अपने मनोकामना के अनुसार इनकी आप पूजा करें। पूजा करने से पहले आप संकल्प ले लें और षोडशोपचार ढंग से धूप दीप नैवेद्य पाद्य अर्घ आचमिनी फल मीठा वस्त्र सारी चीज़ें आप उनको समर्पित करें, अंत में उनकी आरती करें और उनके मंत्रों का जप करें। यह साधारण सा विधान है। आप अपनी कामना के अनुसार अपने देवता का चयन करिए, उनकी पूजा करिए और अक्षय फल के भागी बनिए। ये तो आपने व्रत का विधान बताया किस तरीके से व्रत करना है, पूजा पाठ करना है। किसानों से मैंने पढ़ा भी है, कई जगह पर सुना भी है कि किसानों का भी विशेष संबंध होता है अक्षय तृतीया से। जैसे पंजाब में ब्रह्म मुहूर्त में किसान खेत जोतने जब जाते हैं तो देखते हैं अगर रास्ते में उन्हें कोई पशु या पक्षी ज़्यादा मात्रा में मिले तो वो उससे अंदाजा लगाते हैं कि इस बार फसल अच्छी होगी, बरसात अच्छी होगी। ठीक उसी तरह बंगाल में इसी दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, अपने बही बदले जाते हैं। ठीक उसी तरह उड़ीसा में भी है, वहाँ पर भी खेत जोतने के लिए किसान इसी दिन सुबह निकलते हैं, शुभ मुहूर्त इसको मानते हैं, और जगन्नाथपुरी की जो यात्रा होती है वो भी इसी दिन से शुरू होती है। तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये तिथि बहुत विशेष मानी जाती है। क्या विशेष महत्व किसानों के लिए इस तिथि का है, और अगर इस बार जो अक्षय तृतीया पड़ रही है उस दिन कुछ विशेष करना है तो किसान किस मुहूर्त में कर सकते हैं? क्या ब्रह्म मुहूर्त में ही वो खेत जोतने जाएं, कुछ इस तरीके की क्रियाएं अगर उनको करनी है तो क्या मुहूर्त उनका रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अक्षय तृतीया किसानों के लिए सबसे महत्व की तिथि है। क्यों? कहीं अगर मैं ये कहूं कि दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, इन सबसे अगर अधिक कोई महत्व की तिथि किसान भाइयों के लिए है तो अक्षय तृतीया है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि आज के ही दिन सीता माता के जो पिता थे महाराज जनक जी, उन्होंने हल जोतना आरंभ किया था
और अगले सातवें दिन, जब अगले सात दिन तक उन्होंने हल जोता तो सातवें दिन माता का जन्म हुआ, इस धरती पे प्रादुर्भाव हुआ। तो इसलिए समस्त जो भी किसान खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, आज के दिन शुभ के ही नाते लेकिन एक बार अपने खेत में हल या फावड़ा जरूर चला दें, निश्चित रूप से तभी उन्हें जो है उन्नत फसलों की प्राप्ति होगी। इसलिए अक्षय तृतीया किसानों के लिए काफ़ी महत्व की तिथि हो जाती है। दूसरी बात, आपने पूछा कि उड़ीसा बंगाल यहाँ इसका क्या क्या महत्व है, तो उड़ीसा में भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा होती है, जगन्नाथ की पूजा की जाती है। जगन्नाथ की पूजा, वो भी विष्णु के ही अवतार हैं, विष्णु के ही स्वरूप हैं, तो विष्णु लक्ष्मी का पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुबेर एक बार जब धन से हीन हो गए, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने शिव की तपस्या की तो शिव ने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी का पूजन करो तो आप पुनः धनवान हो जाओगे। तो लक्ष्मी के पति विष्णु हैं, तो लक्ष्मी व विष्णु की पूजा आज ही के दिन कुबेर महाराज ने की थी, इसलिए उड़ीसा में जगन्नाथ की यात्रा और लक्ष्मी गणेश की पूजन का विधान बंगाल में किया जाता है। और लेखा बही भी इसीलिए बदला जाता है ताकि इस लेखा बही में जो भी आए वह अक्षय हो जाए, इसमें कभी घाटा न लगे, कभी इसमें नुकसान न हो, हर समय कुछ बढ़ के ही खाते में आए, इसलिए लेखा बही बंगाल में बदला जाता है अक्षय तृतीया के दिन। तो कुल मिलाकर के किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और धार्मिक लोगों के लिए, जो धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करना चाहते हैं, जो दान करना चाहते हैं, जो पिंडदान की क्रियाएँ करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक समावेशित व्रत त्यौहार के रूप में यदि कोई तिथि है तो अक्षय तृतीया है। यह तिथि गृहस्थियों के लिए, सन्यासियों के लिए, राजा के लिए, आम प्रजा के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, कुल मिलाकर के समाज के सभी वर्गों के लिए समान फल देने वाली कोई तिथि है तो अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को अभूज मुहूर्त, स्वयं शुद्ध मुहूर्त शायद इसीलिए कहा जाता है। जी, तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है अक्षय तृतीया, और जो जो उपाय आपको पंडित जी बताते जा रहे हैं आप उन्हें नोट करते जाइए, यकीनन वो इस अक्षय तृतीया अगर आप अपनाएंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि राशि अनुसार अगर आप किसान वर्ग से हैं, सामान्य वर्ग से हैं, क्या खरीद सकते हैं इस अक्षय तृतीया। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अक्षय तृतीया विशेष कृषि और नक्षत्र में, जिसमें हमने आपको बताया अक्षय तृतीया का महत्व, किस किस राज्य में क्या विशेष महत्व से मनाई जाती है अक्षय तृतीया, तमाम बातें पंडित जी ने आपको बताई। लेकिन राशि अनुसार इस अक्षय तृतीया आप क्या खरीद सकते हैं, अगर आप किसान हैं तो आप क्या खरीद सकते हैं, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आप क्या खरीद सकते हैं, क्या खरीदना आपके लिए शुभ होगा इस अक्षय तृतीया और किस मुहूर्त में, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर कोई किसान है, क्योंकि हमारा ग्रीन टीवी किसानों के लिए है विशेष रूप से, तो अगर कोई किसान वर्ग से है तो वो इस अक्षय तृतीया क्या खरीद सकता है, विशेष मुहूर्त क्या रहेगा खरीदने के लिए वो भी साथ साथ बताइएगा, और अगर कोई सामान्य वर्ग से है तो उसके लिए क्या खरीदना शुभ होगा वो भी राशि अनुसार बताइए। सबसे पहले बात मेष राशि, मेष राशि के हमारे किसान भाई सूर्यास्त के पहले पहले गेहूं के बीज खरीद लें, नई फसल के लिए केवल शुभ के लिए थोड़ा सा ही खरीदें, लेकिन खरीद जरूर लें। इसके साथ साथ सामान्य वर्ग के लोग इस दिन तांबे का कोई पात्र अवश्य खरीदें, और तांबे का पात्र खरीद करके घर में ले आएं, और एक पात्र ऐसा खरीदें जो आप दान कर सकते हो, किसी शिव मंदिर में तांबे का पात्र आप दान भी कर दें, मतलब आप दो पात्र खरीदें, एक घर में रखें और दूसरा किसी मंदिर में दान कर दें। वृषभ राशि के दर्शकों को बताऊं कि इस अक्षय तृतीया आप चांदी के बने आभूषण खरीदिए। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई धान की फसल के लिए धान के बीज अक्षय तृतीया के दिन यदि खरीदते हैं तो उनके लिए शुभ सिद्ध होगा। मिथुन राशि के दर्शक इस अक्षय तृतीया के दिन कांसे का कोई बर्तन खरीदें, कांसे की थाली खरीद लें, कांसे का लोटा खरीद लें, कुछ भी कांसे का एक पात्र खरीदें। इसके साथ साथ हमारे किसान भाई ये मूंग की फसल के लिए, मूंग दाल की फसल के लिए मूंग का बीज खरीद लें, जो कि आगे आने वाले समय में आप मूंग की खेती करें वह आपके लिए सुफलदायी होगी, ज़्यादा लाभ देने वाली सिद्ध होगी। कर्क राशि के लोग
वैसे तो चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, सोने का भी आभूषण आप खरीद सकते हैं। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई कोई दूध देने वाले पशु का यदि क्रय करते हैं तो निश्चित रूप से वह पशु आपको अत्यधिक से अत्यधिक धन देने वाला सिद्ध होगा। खास करके यदि आप डेयरी इंडस्ट्री से लगे हुए हैं तो आज के दिन शुभ के लिए आप एक दुधारू पशु अवश्य खरीद लें, यह आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। सिंह राशि के दर्शक स्वर्ण खरीदें, स्वर्ण आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। इसके साथ साथ हमारे किसान भाई आप यदि पक्षी पालन से जुड़े हुए हैं तो पक्षियों के निमित्त आप कुछ चारा या उनकी व्यवस्था के निमित्त कोई सामान लें जो आपको भविष्य में अधिक से अधिक धन देने वाली सिद्ध होगी। कन्या राशि के लोग वैसे तो सोना चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, दोनों आपके लिए समान रूप से फल देने वाले हैं, आपके लिए शुभ सिद्ध होंगे। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई कृषि यंत्र खरीदें। कृषि यंत्र में क्या कुछ ना खरीद सके तो एक फावड़ा ही खरीदें, लेकिन खरीदें जरूर, क्योंकि यह आपके किसानी के लिए खेती के लिए उन्नत कार्य सिद्ध होगा। तुला राशि के लोग चांदी का आभूषण करें। चांदी के आभूषण के साथ साथ आप प्लेटिनम की धातु भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई आप जो है कृषि उपकरण खरीदें, छोटे ही सही लेकिन कोई यंत्र कृषि का आप खरीदें जो कि आपके कृषि कार्य में भविष्य में सहायक सिद्ध होगी। वृश्चिक राशि के लोग आज अक्षय तृतीया के दिन विशेष करके कोई आभूषण खरीदें। आभूषण कैसा, सोने का हो, सोने का बना हुआ भले छोटा सा ही सही हो लेकिन जरूर खरीदें। इसके अलावा हमारे किसान भाई गेहूं के बीज खरीदें। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है और मंगल का जो अन्न होता है वह होता है मसूर और गेहूं, तो आप गेहूं खरीदें और गेहूं आपके लिए यह धन देने वाला सिद्ध होगा। धनु राशि के लोग धान की फसलों के लिए धान खरीद लें, धान के बीज खरीद लें अभी से इसी अक्षय तृतीया के दिन और उसके अपने कोष में रख लें, और जब आप बीज वपन करने लगें, धान की खेती आरंभ करें तो उसी बीज से मुहूर्त करें, उसी बीज से आप अपना कार्य आरंभ करें। अन्य लोग जो किसी अन्य क्षेत्र से लगे हुए लोग हैं वो आज मुहूर्त के नाम पर कोई भी वस्तु चाहे एक बर्तन खरीद लें, आप चांदी के बर्तन भी खरीद सकते हैं या स्टील के पात्र भी आप खरीद के अपने अक्षय तृतीया को शुभ बना सकते हैं। मकर राशि के हमारे किसान भाई लोहे का कोई औजार खरीदें जो उनके कृषि कार्य में सहायक सिद्ध हो। अन्य लोग जो तमाम सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन या किसी भी क्षेत्र में लगे हुए हैं, ऐसे लोग आज के दिन कोई ऐसी वस्तु खरीदें जो उनके जीवन में, उनके किचन में सहयोगी सिद्ध हो, जैसे मिक्सर हुआ, गैस चूल्हा हुआ, कुछ भी इस तरह का सामान जो आपके किचन में सहायक सिद्ध हो, ऐसी वस्तु आप खरीद के अपने अक्षय तृतीया को शुभ बना सकते हैं। कुंभ राशि के हमारे किसान भाई खाद करने वाली किसी उपकरण को खरीदें। खाद मतलब जिससे मिट्टी को खना जा सकता हो, ऐसा कोई उपकरण यदि आप खरीदते हैं अक्षय तृतीया के दिन तो आपके लिए सुफलदायी सिद्ध होगा। बाकी लोग अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए रेशम के वस्त्र खरीदें, रेशमी वस्त्र आपके जीवन में उन्नतिदायी सिद्ध होगा। मीन राशि के लोग आज के दिन चने की बीज खरीदें जिससे आप चने की खेती कर सकें, ऐसे अच्छे उन्नत बीज आप खरीद के अभी से रख लें, भले उसकी बुआई रबी की फसलों के समय हो लेकिन अभी से आप उसको अपने कोष में रखें, अपने अन्न भंडार में सुरक्षित करें। इसके अलावा बाकी लोग स्वर्ण की कोई वस्तु खरीद सकते हैं, चाहे वो एक सोने का छल्ला ही क्यों ना हो, इस अक्षय तृतीया के दिन उसे आप खरीदें, माता महालक्ष्मी को समर्पित करने के पश्चात आप स्वयं धारण कर लें या अपने किसी प्रिय सदस्य को आप उसे पहना सकते हैं अपने घर में। तो राशि अनुसार आपके लिए इस अक्षय तृतीया क्या खरीदना शुभ होगा पंडित जी ने वो बता दिया है आपको। उम्मीद करते हैं कि तमाम चीजें अगर आप राशि अनुसार खरीदेंगे तो आपके लिए ज्यादा फलदायी साबित होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ग्रीन टीवी में आकर आपने हमारे दर्शकों को अक्षय तृतीया से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ये आपका जी। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी विशेष कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।